morning students, how are you all? I hope you all are fine. Okay students, now open page number 22 in your English textbook. Students, did you write the hard words of this poem? Okay, now today we will do the exercise of this poem. Now pay attention in your textbook. Part A, comprehension. Read the following sentences. Number 1, Monday comes after Sunday. Yani Monday Sunday ke baad mein aata hai. After yani ki baad mein. AFTER after means baad mein. Number 2, Monday comes before Tuesday. बिफोर यानी पहले. मंडे कब आता है? मंडे ट्यूसडे के पहले आता है. नाउ एक्सरसाइज A1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर. यहाँ पे आपको बिफोर और आफ्टर का यूज करके ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. नंबर 1, थर्सडे कम्स ब्लैंक वेनसडे. थर्सडे कब आता है? वेनसडे के पहले या बाद में? यस, वेनसडे के बाद में आता है. तो क्या आएगा बाद में के लिए? क्या आएगा? आफ्टर. सो राइट डाउन हियर AFTER आफ्टर. थर्सडे कम्स आफ्टर वेनसडे. थर्सडे वेनसडे के बाद में आता है. नंबर 2, फ्राइडे कम्स ब्लैंक सैटरडे. फ्राइडे कब आता है? सैटरडे के पहले या बाद में? यस, उसके पहले आता है. तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम? बिफोर. फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे. सो राइट डाउन हियर BEFORE बिफोर. फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे. फ्राइडे सैटरडे के पहले आता है. नंबर 3, संडे कम्स ब्लैंक मंडे. संडे कब आता है? यस, आफ्टर मंडे. सॉरी स्टूडेंट्स, संडे कम्स बिफोर मंडे. संडे मंडे के पहले आता है. तो क्या आएगा? बिफोर. सो राइट डाउन हियर BEFORE बिफोर. संडे कम्स बिफोर मंडे. संडे मंडे से पहले आता है. नंबर 4, वेनसडे कम्स ब्लैंक ट्यूसडे. वेनसडे कब आता है स्टूडेंट्स? यस, आफ्टर ट्यूसडे. वेनसडे ट्यूसडे के बाद में आता है. तो बाद के लिए, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? आफ्टर. AFTER आफ्टर. वेनसडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे. वेनसडे ट्यूसडे के बाद में आता है. नंबर 5, थर्सडे कम्स ब्लैंक फ्राइडे. थर्सडे कब आता है? बिफोर फ्राइडे. फ्राइडे के पहले आता है. तो क्या आएगा यहाँ पे? बिफोर. सो राइट डाउन हियर BEFORE बिफोर. थर्सडे कम्स बिफोर फ्राइडे. स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द आंसर्स विथ मी. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो आपको रीड करना है. नंबर 1, टुडे इज मंडे. नंबर 2, यस्टरडे वॉज संडे. नंबर 3, टुमोरो इज ट्यूसडे. नंबर 1, टुडे इज मंडे. टुडे हम किसके लिए यूज करते हैं? आज के लिए. आज क्या है? आज मंडे है. नंबर 2, यस्टरडे. यस्टरडे वॉज संडे. यस्टरडे हम किसके लिए यूज करते हैं? जो बीता हुआ कल है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यस्टरडे यूज करते हैं. कल क्या था? कल संडे था. नंबर 3, टुमोरो इज ट्यूसडे. और कल क्या है? टुमोरो
टुमोरो हम किसके लिए यूज करते हैं? कल के लिए यूज करते हैं। टुमोरो इज ट्यूजडे, कल क्या है? ट्यूजडे है। आज मंडे है तो कल क्या था? कल संडे था। और आज मंडे है तो कल क्या आएगा? कल ट्यूजडे आएगा। सो टुमोरो इज ट्यूजडे, कल ट्यूजडे है। नाउ एक्सरसाइज ए टू, स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट द आंसर्स विथ मी इन योर टेक्स्ट बुक। एक्सरसाइज ए टू, फिल इन द ब्लैंक्स विथ यस्टरडे, टुडे और टुमोरो। आपको यस्टरडे, टुडे और टुमोरो का यूज करके ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। नंबर वन, टुडे इज फ्राइडे, ब्लैंक इज सैटरडे। आज फ्राइडे है तो सैटरडे कब होगा? सैटरडे कल होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टुमोरो। सो राइट डाउन हियर, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, टुमोरो। टुमोरो इज सैटरडे, टुडे इज फ्राइडे, टुमोरो इज सैटरडे। आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे होगा। नंबर टू, ब्लैंक वॉज वेनसडे, ब्लैंक इज थर्सडे। यहाँ पे वॉज का यूज हम किसके लिए करते हैं? यस्टरडे के लिए। सो राइट डाउन हियर, वॉज यानी बीता हुआ कल है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यस्टरडे, yesterday, यस्टरडे। Yesterday was Wednesday, कल क्या था? कल Wednesday था। तो यहाँ पे क्या आएगा? Blank is Thursday, तो आज क्या होगा? Thursday। So write down here, today, so today is Thursday, yesterday was Wednesday, today is Thursday, कल Wednesday था और आज क्या है? आज Thursday है। Number three, today is blank, ब्लैंक वॉज सैटरडे, ब्लैंक इज मंडे। यहां पे हम ये ब्लैंक पहले लिखेंगे, वॉज सैटरडे, वॉज यानी कि जो बीता हुआ कल है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यस्टरडे, यानी कि यहां पे लिखना है हमें यस्टरडे। Yesterday was Saturday, कल क्या था? कल Saturday था, तो आज क्या होगा? So today is Sunday, so write down here, today is Sunday, S-U-N-D-A-Y, Sunday, blank is Monday, तो फिर आज Sunday है तो कल क्या होगा? Monday, so write down here, tomorrow, T-O-M-O-R-R-O-W, tomorrow, Tomorrow is Monday. आज संडे है, कल क्या था? कल सैटरडे था, और कल क्या होगा? कल मंडे है। Now exercise A3. Complete the following table. Number one is done for you. Students, यहाँ पे आपको ये टेबल कंप्लीट करना है और यहाँ पे नंबर वन दिया है डे। नंबर वन मंडे, आज कौन सा दिन है? मंडे है, तो इसके आंसर आपको पोएम में से लिखने हैं। मंडे, मंडे बच्चों ने क्या एक्टिविटी की थी? मेकिंग अ रिंग। नाउ नंबर टू, ट्यूसडे, ट्यूसडे चिल्ड्रन क्या करते हैं? ट्यूसडे को बच्चों ने क्या किया था? यस, सिंगिंग। सो राइट डाउन हियर, सिंगिंग, एस आई एन जी आई एन जी, सिंगिंग। नंबर थ्री, वेनसडे, वेनसडे को बच्चों ने कौन सी एक्टिविटी की थी? यस, रीडिंग एंड रिसाइटिंग। सो राइट डाउन हियर,
READING, reading and reciting. RECITING, reciting, reading and reciting. Now number 4, Thursday. Thursday वो लोग क्या एक्टिविटी करते थे? Drawing and writing. So write down here DRAWING, drawing and writing. WRITING, writing, drawing and writing. Number 5, Friday. Friday के दिन वो लोग कौन सी एक्टिविटी करते थे? Yes, jumping in the yard. So write down here JUMPING, jumping in the yard. वो लोग यार्ड में जंपिंग करते थे फ्राइडे के दिन. नंबर 6, सैटरडे. सैटरडे के दिन वो क्या करते थे? लर्निंग लेसन्स. लर्निंग लेसन्स. नंबर 7, संडे. संडे को वो लोग संडे के दिन वो लोग क्या करते थे? चिल्ड्रन प्लेइंग एंड रेस्टिंग. सो राइट डाउन हियर PLAYING, प्लेइंग एंड रेस्टिंग. RESTING, रेस्टिंग, प्लेइंग एंड रेस्टिंग. ओके स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट अवर टुडेज एक्सरसाइज एंड योर होमवर्क इज राइट दिस एक्सरसाइज A1, A2, A3 in your English notebook. Thank you. Have a nice day.